वगैरह बैठ के देखते हैं ऐसी वीडियो। आज का टॉपिक है कि हम किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज आपकी एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है या पावर पॉइंट की, ए टू जेड किसी भी चीज की फाइल है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब पीडीएफ में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है, सपोज मैंने एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट दिया आपको या वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट दिया और ईमेल के थ्रू दिया, अब सामने वाला पर्सन उसमें क्या चेंजेस कर दे और बॉस को क्या पेश कर दे आपको तो नहीं पता। भाई मैंने आपको दी और आपने कुछ चेंजेस कर दिए और आके बॉस को फॉरवर्ड कर दी फाइल, आप तो ये कहूंगे कि सर मैंने दिया वो फाइल, तो ऐसा क्या करूं कि वो उसमें चेंजेस ना कर पाए। अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दोगे तो वो फाइल में बीच वाला जो मीडिएटर है वो चेंज नहीं कर पाएगा फाइल, वो जैसी की मतलब जैसी वो फाइल है वो वैसी की वैसी उसे देनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। एक वेबसाइट होती है, उसका नाम है zamzar.com। zamzar लिख के दिखाता हूं, कृपया करके कोई बीच में ना बोले नहीं तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, ध्यान रख लेना। zamzar.com मैं लिख के दिखा देता हूं, www.zamzar.com, zamzar zamzar.com। एंटर प्रेस किया, आई थिंक कनेक्शन नहीं आ रहा इंटरनेट का, मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। zamzar.com, जो स्टूडेंट आज नहीं आए हैं वो घर बैठ के देख सकते हैं इस वीडियो को, बस आपको डालना क्या पड़ेगा गूगल पे जाके DICA नॉलेज सॉल्यूशन, आज की वीडियो दिख जाएगी। इसके अंदर आपके चार स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, आपको चारों स्टेप्स फॉलो करने हैं। सपोज मैंने कहा मेरी फाइल है जो कि एक्सेल की है और वो यहां पर रखी हुई है, मान लो ट्रिपल सी के क्वेश्चन है ये वाले और ये एक्सेल में रखे हुए हैं, मैंने इस तरह से आपको दिखा देता हूं। अभी क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल एस, सही आंसर कंट्रोल बी। अभी मैंने थोड़ा बहुत टाइप कर रखा है अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए, जो हमारी बन रही है यहाँ की वेबसाइट। अब मैंने कहा इसी फाइल को मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ ना यहाँ से इस क्वेश्चन को। भाई मैंने आपको फाइल दी, आपने बीच में इस क्वेश्चन को डिलीट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आपने चेंजेस कर दिया ना बीच में, या कुछ लिखना चाहो लिख भी सकते हो उस फाइल के अंदर, लेकिन मैंने कहा अगर इस पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। कैसे, स्टार्ट करते हैं। वहीं पर गया मैं दोबारा से zamzar.com पे। स्टेप नंबर 1 वो कह रहा है कि चूज फाइल, आपकी फाइल कहाँ रखी हुई है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे रखी हुई है, वो कह रहा है वहां से पिक कर लें उस फाइल को। डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने, किस नाम से फाइल है, ट्रिपल सी क्वेश्चन पेपर, और कौन किसकी फाइल है, एक्सेल की है ना, ठीक है। मैंने वो फाइल देखी भाई ट्रिपल सी की फाइल ये रही, इस पर क्लिक किया और इसे ओपन कर दिया, अब ये फाइल यहाँ पर आ गई। इसके बाद वो कह रहा है कन्वर्ट किस में करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उसे पीडीएफ में ही कन्वर्ट करो, आपको जिस भी एक्सटेंशन की जरूरत हो, कोरल ड्रॉ की, फोटोशॉप की, पेज मेकर की, किसी भी चीज में चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सारे एक्सटेंशन है, लेकिन मुझे चेंज करनी है अभी फिलहाल पीडीएफ में, तो मैंने एक्सटेंशन ले लिया पीडीएफ। बहुत सारे एक्सटेंशन है, यहाँ पर मैंने सिर्फ पीडीएफ ले लिया। फिर मैंने कहा कि वो फाइल कहाँ पर जाए, जब वो कन्वर्ट कर दे वो फाइल मेरी जीमेल आईडी पे चली जाए, मैंने अपनी जीमेल आईडी डाली, और मैंने इसे क्या करा कन्वर्ट कर, जैसी कन्वर्ट किया अपलोडिंग हो रही है, कंप्लीट हो गई। अब ये कहना चाह रहा है कि आप कृपया करके अपनी जीमेल आईडी खोले, वहां पर आपको आपकी फाइल मिल जाएगी, मैंने कहा ठीक है मैं अपनी जीमेल आईडी खोलता हूँ। मैंने एक टैब और ओपन किया यहां से, यहां पर लिखा मैंने जीमेल आईडी,
जो फाइल है वो कन्वर्ट होकर मेरी जीमेल आईडी पे आ गई है। अब मेरी जीमेल आईडी ओपन हो रही है, सबसे ऊपर एक फाइल आई होगी जो कि जंजार के नाम से होगी। जो मेल आई है उस पर लिखा हुआ जंजार, समझ जाना कि वो फाइल भेजी है जंजार वालों ने। आ रही सबसे ऊपर जंजार कन्वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मेरी फाइल इसी के अंदर है। और क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिपल सी क्वेश्चन पेपर डॉट एक्सएलएस लिखा हुआ आ रहा है ना, देखो जरा इसी को तो मैंने कन्वर्ट किया था। बस इस पर क्लिक कर दो, एक बार ओपन हो गई। सबसे नीचे एक यहाँ पर आपको लिंक दिया होगा, यहाँ पर एक लिंक दिया होगा, ये लिंक, इस पर क्लिक करूंगे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये फाइल सेव भी है। क्यों सेव है, क्योंकि जो कन्वर्ट किया वो किसी के सिस्टम पे नहीं किया। अब मैंने जब ये अब थोड़ा प्रोसेस लेगी कन्वर्ट होने में और ये डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगी, सिर्फ मेरे ख्याल से एक मिनट मुश्किल से लेगी। आप यहां पर जाके क्लिक कर दो, लिखा हुआ आ गया सीबीएसई क्वेश्चन पेपर डॉट पीडीएफ, पहले एक्सएलएस था, मैंने इसे डाउनलोड कर, मैंने डाउनलोड करना है, क्लिक किया। अभी डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा समय लेगी, डाउनलोड हो जाएगी। अगर स्पीड अच्छी हो तो जल्दी डाउनलोड हो जाती है, अगर नहीं हो रही है तो एक बार मैं दोबारा क्लिक कर देता हूं, शायद अब हो जाए। अभी डाउनलोड हो रही है, लिखा आ गया थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। और जैसी डाउनलोड होगी तो यहां पर नीचे आ जाएगी, देखो यहां पर नीचे आएगी अभी। और वो ये भी कहना चाह रहा है अगर डाउनलोड ना हो, आपने क्लिक तो कर दिया डाउनलोड पे, लेकिन वो ना हो तो आप इस पे क्लिक कर दें। अगर आपको बैठे बैठे काफी टाइम हो गया और डाउनलोड नहीं हो रही तो नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, इफ नॉट देन प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। मैं देख लेता हूं अगर डाउनलोड हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूं। वो कह रहा है कि डाउनलोड करनी है, मैंने कहा यस स्टार्ट डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गई। ऊपर लिखा रहा है ट्रिपल सी क्वेश्चन पेपर डॉट पीडीएफ, कभी कभी क्या है कि डाउनलोड होने में कभी क्या हो गई। मैंने इसे ओपन किया, ओपन करने पे जो फॉर्मेट आएगा वो एक्सेल का नहीं आएगा, अब पीडीएफ का आएगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आप उसे जेपीजी में कन्वर्ट कर लो। जेपीजी का मतलब ये होता है कि जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं इमेज के रूप में आती है, तो आपको एक्सेल की फाइल को इमेज के रूप में बनानी है, जेपीजी के रूप में बनानी है तो अपना सकते। एक्सेल की फाइल अब इस टाइम आपके सामने ओपन हो रही है। ये डाउनलोड हो गई, अब देख सकते हैं आप, नो किया से मैंने और इसे बंद कर दिया यहां से नो करके। तो जो क्वेश्चन मैंने वहां लिखे थे वो यहां पर आ गए, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ वर्ल्ड, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक, ये तो क्वेश्चन लिखे थे सारे यहां पर आ गए, चेक कर लो। ये क्वेश्चन लिख रखे थे मैंने और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहां पर आ गए, ये पीडीएफ रूप में आ गए। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूंगा ना, ये डिलीट नहीं होगा, देखो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, डिलीट कहां से होगा। कौन से वाले